गुरु अमरदास परसिया पोहम पातक बिनासै। गुरु अमरदास परसिया सिद्ध साधक आसासै। गुरु अमरदास परसिया ध्यान लहिया पौ मुकै। गुरु अमरदास परसिया अबो लभै गौ चुकै। एक बिन दुगन जो तो रह जा सुमंत्र मान वह लह। जालपा पदार्थ इतड़ गुर अमरदास डिठ मिले। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज मैं गुरु नानक साहब जी की तीसरी जोत जिन्हों असी गुरु अमरदास जी के नाम तो जानते हाँ उन्होंने जीवन उन्होंने गुरु मिलाप उन्होंने मनुखता देन उन्हां दी सिख्यावां बारे संखेप जानकारी देने की कोशिश करन जा रही हाँ। भुलना चुका दी खिमा ते जे कोई गलती हो जाए प्लीज मेरी गलती करैक्ट कर देना। गुरु अमरदास जी का जन्म May 23, 1479 बासर के विलेज विच होया सी जो डिस्ट्रिक्ट अमृतसर विच है। उन्हां दे पिता जी का नाम भाई तेज भान जी सी। उन्होंने माता जी का नाम माता लक्ष्मी जी। उन्होंने पत्नी का नाम सी माता मनसा देवी। उन्होंने चार बच्चे सन बाबा मोहन बाबा मोहरी बीबी दानी जी ते बीबी भानी जी। ते भाई अमरदास जी गुरु अमरदास जी September 1, 1574 नू ज्योति जोत समा गए। ते जदों गुरु अमरदास जी का जन्म होया सी उदों गुरु नानक देव जी 10 years old दे सी। अर्ली लाइफ सो आप जी दे गुरुदार आने तो पहले दे जीवन बारे पूरा वेरवा नहीं मिलता बट कई बुक्स में लिखा सी कि वो अपने पिता जी दे नाल खेतीबाड़ी का काम करते सी। ते सिक्खी विच आने तो पहला आप जी हिंदू रीति रिवाजों नू फॉलो करते सन। ते वो भाई अमरदास जी 12 21 वरी हरिद्वार गए सीगे गंगा दे इस्नान करन लई विच इज लाइक रिचुअल इन हिंदू रिलीजन। आप जी धार्मिक रुचि रखन वाले उधार चित ते साउ पुरश दे बंदे सन। मीनिंग ही वाज स्पिरिचुअल ते वो बिल्कुल सिंपल सिंपल सीगे। अपना दुनियावी कार विहार करदे होए परमार्थक लगन विच लीन रहंदे। ही वाज ओनली लाइक ही वाज रियली स्पिरिचुअल ही डिडंट ही वाज सिंपल मैन। गुरु बिन कोर अंधार गुरु बिन समझ ना आवे। सो दिस लाइन मीन्स विदाउट द गुरु देयर इज अटर डार्कनेस। मतलब गुरु तो बिना बिल्कुल अंधेरा है। विदाउट द गुरु देयर इज नो अंडरस्टैंडिंग। गुरु बिन समझ ना आवे मीनिंग गुरु तो बिना कुछ भी समझ नहीं आंदा। सो सन 1541 विच जदों 21वीं बार बारी यात्रा करके आ रहे सी गंगा तो ते उत्थे एक दुर्गा दास हैगा सी ओने सराह बनाई हुई सी। सराह मतलब इट वाज अ प्लेस कि जदों कोई यात्रा करके आंदा है ओ उत्थे स्टे करदे सीगे टू रेस्ट आराम करन लई। सो भाई अमरदास जी जदों यात्रा करके आ रहे सीगे ओ सराह दे बगीचे विच आराम कर रहे सी। ते उत्थे जदों दुर्गा दास की नजर अमरदास जी के भाई अमरदास जी के पैरों पर पई ते उसने पैरों में पदम रेखा देख के वह बहुत प्रभावित होया। सो बेसिकली दुर्गा दास वो एक एस्ट्रोलॉजिस्ट सीगा लाइक ज्योतिष विद्या उन्होंने आती सी। ते भाई अमरदास जी के जो उन्होंने पैरों में पदम रेखा देखी तो वह बहुत प्रभावित होया ते वह उन्होंने कोल आके बैठ गया। सो बेसिकली हुण उन्हां दी वेट कर रहे सीगा भी वह कदों उठन भाई अमरदास जी उठन। सो जदों अमरदास जी भाई श्री अमरदास जी उठे तां दुर्गा दास उन्हां नाल लाइक गलबात करना उन्हां दी शुरू हो गई गलबात। ते गलबात करदिआं उन्हें दुर्गा दास ने कहा उन्हें अपनी ज्योतिष विद्या बारे दस्सिआ कि वो लाइक ज्योतिष विद्या जानदा है। ते उन्हें कहा भी तुसी जाते कोई बहुत धनवान पुरुष हो मीनिंग यू आर रियली रिच और रियली बिग परसन
ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇਟਰਨਲ ਪਾਵਰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਰਿਚ ਹੋ। ਪਰ ਆਫਟਰ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਭਾਈ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੁਸਕਰਾਏ ਐਂਡ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਥਿੰਕਿੰਗ ਵੀ ਨੋ, ਇਹ ਤੇ ਐਵੇਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਊ ਕੈਨ ਦੈਟ ਬੀ ਰਾਈਟ, ਕਿ ਐਵੇਂ ਯੂ ਨੋ ਮਜ਼ਾਕ ਜੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸੋਚੀ ਸੋਚੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਊ ਕੈਨ ਆਈ ਬੀ ਰਿਚ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੰਨਾ ਸੁਪਰੀਮ ਜਾਂ ਰਿਚ ਬੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਾਵਰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸੋਚਦੇ ਸੋਚਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਬੰਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਏ, ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਵਿੰਗ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨਸ। ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਲਾਈਕ ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੱਸ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਯੂ ਨੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਤੇ ਆਫਟਰ ਹੀਅਰਿੰਗ ਦਿਸ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਵਟ ਹੈਵ ਆਈ ਡਨ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਨਿਗੁਰੇ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੀਨਿੰਗ ਨਿਗੁਰੇ ਕਾ ਨਾਉ ਹੈ ਬੁਰਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਨ ਦ ਟਾਈਮ ਦੇ ਯੂਸ ਟੂ ਸੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਬੈਡ ਪਰਸਨ। ਸੋ ਹੀ ਸੈਡ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿਗੁਰੇ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੀ ਗਾਟ ਰੀਲੀ ਮੈਡ, ਲਾਈਕ ਉਹ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਕਾਮ ਡਾਊਨ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਨੋ, ਹੀ ਡਿਡ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਵੀ, ਭਾਈ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਗਏ, ਲਾਈਕ ਬਹੁਤ ਸੈਡ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤੀ ਨੀਂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਚਾਨਣ, ਮੀਨਿੰਗ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਜ਼ ਅ ਲਾਈਟ ਟੂ ਇਲੂਮੀਨੇਟ ਦ ਵਰਲਡ। ਸੋ ਫਿਰ ਹੁਣ ਦਿਨ ਚੜੇ, ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਮਾਨਕ ਚੰਦ ਦੇ ਘਰ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਦੀ ਕੋਈ ਰੱਬੀ ਕਲਾਮ ਗਾਉਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਸੋਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਟਰ ਇਨ ਲਾਅ ਸੀ, ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਆਲਸੋ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਡਾਟਰ। ਸੋ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਬੀ ਕਲਾਮ ਗਾਉਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਉਹ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕੰਨੀ ਪਈ। ਸੋ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਉਹ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਸ਼ਾ ਸੀ ਉਹ ਬਦਲਦੀ ਗਈ। ਮੀਨਿੰਗ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ, ਹੀ ਫੈਲਟ ਰਿਲੀਵਡ, ਹੀ ਫੈਲਟ ਰਿਲੀ ਰਿਲੀਵਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਤੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸੁਣ ਕੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਸੀ, ਕਰਨੀ ਕਾਗਦ ਮਨ ਮਸਵਾਣੀ, ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਦੋਏ ਲੇਖ ਪਏ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਕਰਤ ਚਲਾਏ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਕਿਰਤ ਚਲਾਏ, ਤਿਉ ਚੱਲੀ ਹੈ ਤੋ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਅੰਤ ਹਰੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤੇ ਭਜਨ ਗਾਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਪਵਨ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਬਿਰਾਜਦੇ ਹਨ? ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤਾਂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। ਤਨ ਭਾਈ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਸੈਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਾਓ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਾਓ। ਸੋ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਸੋ ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ, ਐਂਡ ਯਾ ਸੋ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਸੋਇਆ ਜਾਗ ਹੈ, ਮੀਨਿੰਗ ਅਵੇਕਨਸ ਫਰੋਮ ਦ ਸਲੀਪ ਆਫ ਕਾਉਂਟਲੈਸ ਇਨਕਾਰਨੇਸ਼ਨਸ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੜਮ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ
गुरु अंगद देव जी के कुड़म के वड्डे भरा से। सो आउट ऑफ रिस्पैक्ट वह कुड़म के वड्डे भरा देख के गुरु अंगद देव जी सत्कार नाल खड़े होने लगे, पर भाई अमरदास जी गुरु साहब के चरणों से आके डिग पे। यू कैन सी इन द फोटो टू। सो वह आके डिग पे तो मिन्नत विच बेनती की कि मैं मंगता हक होके आया हाँ, आप जी पास मंगता होके आया हाँ, मैनू चरणी लाओ ते भाव सागर तो मेरा बेड़ा पार करो। मीनिंग भी मैं तेरा रिलेटिव बन के नहीं आया, आई वॉन्ट टू डू सेवा। सो कुछ दिन सी श्री अमरदास जी इत्थे ही टिक गए ते वह सत्संग करते रहे ते आप जी ने देखा कि किवें सारे गुरसिख चा उमान लंगर की सेवा करते सी, तन मन धन नाल सेवा करते सी। ते आप जी ने भी सेवा सिमरन विच जुट जान दा मन बना लिया। घरे जिहड़ा उन्होंने सोचा भी हुण मैं घरे नहीं जाना, मैं इत्थे ही रह के सेवा सिमरन करना। ते उन्होंने घर अपनी जिहड़ी पत्नी नूं भी सुनेहा भेज दिता कि हुण कुछ देर वह गुरु अंगद देव जी कोल ही रहणगे, अपनी सेवा करनगे, सिमरन करनगे, ते ही इज गोइंग टू स्टे देयर। उन्होंने वापस नहीं आना हाले थोड़ी देर। कर सेवा पार ब्रह्म गुर भुख रह ना काई। सो उन्होंने फिर जो उत्थे थोड़ी देर रहे दो लाइक तीन कुछ दिन रहे ते फिर उन्होंने ना भाई जोध जी सीगे जिहड़े उत्थे सेवा संभालते सी सारी। सो वह भाई जोध जी को गए कि मैनू भी सेवा दवो, मैं भी सेवा करनी है राइट। ते भाई जोध जी सैड भी तुसी यू नो यू आर इन सीनियर एज, सो तुसी कोई छोटी मोटी सेवा कर लो यू नो जिहड़ी तुसी कर सको मतलब ईजली। ते अमरदास जी सैड भी जे मैनू पानी की सेवा मिल जाए तो बहुत वधिया होएगा, उन्होंने मिहनत की। भाई जोत जी सैड भी माता खीवी जी तो आग्ञा लैनी। माता खीवी जी सीगे गुरु अंगद देव जी के दे पत्नी ते जिहड़े उन्होंने सारी जिहड़ी सेवा दे हैड सीगे बेसिकली। सो हुण वह जाते ने माता खीवी जी तो आग्ञा लैन। सो माता खीवी जी ने आग्ञा देती भी तुसी पानी की सेवा करो। सो वह हुण पानी की सेवा जिहड़ा ब्यास रिवर सीगा, ब्यास दरिया उत्थे जांदे सी ऑन फुट तुर के जो 5 किलोमीटर अवे सीगा। ते ओ दे गो एवरीडे, ही वेंट एवरीडे लगातार 12 साल उन्होंने पानी की सेवा की सी विदाउट एनी लाइक ओ अज नहीं जाना या नो, ही वेंट एवरीडे फॉर 12 ईयर्स। ते इवन नॉट ओनली दैट उन्होंने होर भी बहुत सेवा की, कभी लंगर विच सेवा, कभी जिवें कोई जो आया वै कोई गैसट आया उन्हों की सेवा, ही नैवर सैट डाउन, वह ऑलवेज सेवा करते रहते। छोटी तो छोटी सेवा करने लिए वह तैयार से, वह किसी नाल भी ज्यादा गलबात भी नहीं करते, ऑलवेज वह हर वेले बाणी पढ़ते रहते, हर वेले सिमरन करते रहते। तो उन्होंने सेवा करद कुछ साल होए तो अ लॉट ऑफ पीपल स्टार्टेड कंप्लेनिंग भी एदा नहीं एदा करते हैं जो एदा करते हैं, पर उन्होंने परवाह नहीं की, ही कैप्ट डूइंग सेवा, वह सेवा सिमरन विच जुटे रहे। एंड ऑलसो ही वॉज 62 ईयर्स ओल्ड जो उन्होंने सेवा करनी शुरू की। निथावे को गुर दीनो थान, मीनिंग द गुरु हैज गिवन शेल्टर टू द शेल्टरलेस। सो लाइक आई सैड भी वह पानी की सेवा करते 5 किलोमीटर्स और रोज जाते। बट वन डे इट वॉज रियली रेनी, बारिश पै रही थी, यू कैन से थंडर स्टॉर्म सीगा। सो वह जा रहे थे पानी लैन, तो जो वापस आए तो एक जुलाहा सीगा उहदे घर के बाहर उन्हों का जरा भाई अमरदास जी का पैर किली नाल अड़ गया तो वह डिग पे। एंड इट मेड अ रियली लाउड नॉइस, वह रात का समा सी, सो एवरीबडी वॉज स्लीपिंग, सो इट मेड अ रियली लाउड नॉइस। तो जिहड़ा जुलाहा सी उहने आवाज सुनी ते उह कहिंदा किहड़ा है बार इस वेले, मीनिंग भी इन्नी रात सी सो कौन हैगा इन्नी बार राइट। सो जिहड़े उहदे वाइफ सीगी लागे सुती सी, शी सैड होर इस वेले कौन हो सकदा, होएगा अमरू नथावा जिहनूं घर बार कोई नहीं चलदा, बुढ़े बारे एवें भड़कदा रहिंदा वा भटकदा रहिंदा। सो you know she was saying mean stuff, she's like amrun thama meaning shelterless, biyad ko koi jagah nahi hai and no one koi chalda nahi meaning no one wants to like be with him, no one can handle him right. So jadon bhai amardas ji ne eh gall suni te oh kende kyon kamli ho gayi hai,
ਅਮਰੂ ਨਿਥਾਵਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਅਮਰੂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਜਹਾਨ ਦੇ ਵਾਲੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚਰਨਾ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਅਮਰੂ ਨਿਥਾਵਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਚਰਨਾ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਥਾਂ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਉਟਰ ਲਾ ਸਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਮਰੂ ਨਿਥਾਵਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜੋ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਜੁਲਾਹਾ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪ ਜੀ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸੇਵਕ ਭਾਈ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਬੋਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੋ ਮੀਨਿੰਗ ਵੀ ਲਾਈਕ ਆਈ ਸੈਡ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਮਰੂ ਨਿਥਾਵਾਂ ਰਾਈਟ ਦੈਟਸ ਨੋਟ ਨਾਈਸ ਲਾਈਕ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੁਲਾਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕਮਲੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕਮਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਲਾਈਕ ਸ਼ੀ ਵਾਸ ਡੂਇੰਗ ਕ੍ਰੇਜ਼ੀ ਥਿੰਗਸ, ਸ਼ੀ ਵਾਸ ਸੇਇੰਗ ਕ੍ਰੇਜ਼ੀ ਥਿੰਗਸ ਤੇ ਉਹ ਜੁਲਾਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾਈਕ ਦੱਸੀ ਸੁਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੀ ਸੈਡ ਇਟ ਵਾਜ਼ਨਟ ਮਾਈ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਆਈ ਜਸਟ ਪੁਆਇੰਟਡ ਦੈਟ ਆਊਟ, ਮੈਂ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਮਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਮਰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਨਥਾਵਾਂ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸਦਕਾ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਰੂ ਨਥਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਸੋ ਅਮਰੂ ਨਥਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਐਂਡ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਸੈਡ ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਮਰੂ ਨਥਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਸੋ ਆਫਟਰ ਹੀਅਰਿੰਗ ਦਿਸ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ 12 ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੋ ਸੀਗੀਆਂ ਨਿਰਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ, ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ, ਨਿਥਾਵਿਆਂ ਦੇ ਥਾਂ, ਨਿਲੱਜਿਆਂ ਦੀ ਲੱਜ, ਨਿਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਪੱਤ, ਨਿਗੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਤ, ਨਿਤਰਿਆਂ ਦੀ ਧਿਰ, ਨਿਥਿਤਿਆਂ ਦੀ ਥਿਜ, ਨਿਰਜੋਰਿਆਂ ਦੇ ਜੋਰ ਤੇ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਪੀਰ। ਸੋ ਦੀਜ਼ ਵਰ ਦ 12 ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀਆਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਮੇਵਾ, ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਈ ਕਾਰ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਸੋ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮਨਾਈ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਈ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਬੜੀ ਕਠਿਨ ਤੇ ਕਰੜੀ ਘਾਲਣਾ ਸੀ, ਮੀਨਿੰਗ ਵੀ ਉਹ ਲੁੱਕ ਹੀ ਵਾਜ਼ 62 ਈਅਰਸ ਓਲਡ ਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੀ ਵਾਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਈਂਡਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਹੀ ਵਾਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਡੂਇੰਗ ਸੇਵਾ। ਬਟ ਸਮ ਪੀਪਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਡੂਇੰਗ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਸੇਵਾ, ਬਟ ਸਮ ਪੀਪਲ ਆਰ ਆਲਸੋ ਸੇਇੰਗ ਮੀਨ ਸਟਫ। ਜਨ ਕਾ ਜੈ ਕਾਰ ਕਰਾਈ, ਸੋ ਲਾਈਕ ਆਈ ਸੈਡ ਬਿਫੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਵਾਜ਼ ਆਲਸੋ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਵਾਜ਼ ਟੈਲਿੰਗ ਐਵਰੀਵਨ ਅਬਾਊਟ ਹਾਊ ਐਵਰੀਵਨ ਭਾਈ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਇਜ਼ ਡੂਇੰਗ ਸੇਵਾ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਔਰ ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਭਾਈ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲਾਈਕ ਆਈ ਸੈਡ ਸਮ ਪੀਪਲ ਆਰ ਆਲਸੋ ਸੇਇੰਗ ਬੈਡ ਥਿੰਗਸ ਪਰ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਡਿਡਨਟ ਕੇਅਰ, ਭਾਈ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਵਾਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਡੂਇੰਗ ਸੇਵਾ। ਹੁਣ ਜਨ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਕਰਾਈ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪਈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ਡ ਹਿਮ ਵੀ ਯੂ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਸੇਵਾ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਭਾਈ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨ ਪਰਸਨਲ ਸਰਵਿਸ ਆਫ ਦ ਗੁਰੂ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪਾਸਰ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਲਾਈਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਤਾ ਲੈ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈਕ ਯੂ ਨੋ ਹਾਊ ਆਰ ਦੇ ਡੂਇੰਗ। ਸੋ ਹੁਣ
ऑफ कोर्स हो नो गुरु जी ना बहुत अटैच्ड हो गए सी सो ही डिडंट वांट टू लीव ही वाज वेरी अपसेट पर हुन उन्होंने जाना पे आकर बिकॉज गुरु जी ने कहा सीगा भी तुसी जाओ ते परिवार दी हाल चाल पुछ के आओ सो जो ओ जा रहे सीगे जान लगे ते बाबा दासू जी नु पता लग गया बाबा दासू जी गुरु अंगद देव जी दे सपुत्र सी सो बाबा दासू जी वॉज जेलस बिकॉज गुरु अंगद देव जी बड़ी उन्होंने भाई अमरदास जी की प्रेज करते उन्होंने बहुत प्राउड फील करते उन्होंने कि बहुत सेवा करते हैं राइट पर हूँ बाबा दासू जी वॉज जेलस बिकॉज बाबा दासू जी गुरु अंगद देव जी के सन है सपुत्र ने सो ही इज लाइक मैनू भी तो मिलनी चाहिए है राइट मैनू भी प्रेज मिलनी चाहिए है सो बाबा दासू जी डिसाइडेड ही इज गोइंग टू हार्म अमरदास जी वाइल ही इज गोइंग होम सो जो जा रहे बाबा दासू जी उन्होंने पिछे फॉलो कर रहे थे तो जो वो जा रहे थे घोड़िया की आवाज घोड़िया के जो फुटस्टेप्स की आवाज ना अमर श्री अमरदास जी ने सुनाई दी तो पिछे मुड़ के उन्होंने देखा कि बाबा दासू जी ने सो बाबा दासू जी ऑफकोर्स गुरु जी के सन से गुरु अंगद देव जी के सो भाई अमरदास जी ने आउट ऑफ रिस्पैक्ट उन्होंने हाथ जोड़ के नमस्कार किया दैन बाबा दासू जी उन्होंने भी हाथ जुड़ गए तो बाद चो खुल ना बिकॉज ही फेल्ट रियली एम्बेरस्ड क्योंकि वह उन्होंने हार्म कर जा रहा है उन्होंने चोट पहुंचा जा रहा है पर गुरु अमरदास जी हूँ आउट ऑफ रिस्पैक्ट ही इज हम्बल परसन तो उन्होंने अगे हाथ जोड़ते भी आउट ऑफ रिस्पैक्ट सो हूँ दासू जी वॉज एम्बेरस्ड तो वह कुछ गए बिना ही वापस घर चले गए तो जो उन्होंने घर जाके सारी गल माता खीवी जी ने दसी भी इस तरह होया माता खीवी जी ऑलसो सैड भी भाई अमरदास जी इन्नी सेवा करते ने इन्ने लाइक बहुत नाइस परसन ने तुसी क्यों ऐदा करते हो लाइक वाई आर यू जेलस ऑफ हिम फिर क्या इस तो बाद उन्होंने गुरु अंगद देव जी ने सारी गलबात दसी माता खीवी जी ने ते गुरु अंगद देव जी ने कहा भी तुसी मेरे तो माफी ना मंगो बाबा दासू जी वॉज अपोलोजाइजिंग ते उन्होंने कहा तुसी गुरु तुसी बाबा अमरदास जी को जाके माफी मंगो सो माता खीवी जी ते बाबा दासू जी हुण बासर के चले गए ते जदों ओ घर पहुंचे बासर के अमरदास जी दे भाई अमरदास जी दे घर पहुंचे ते अमरदास जी वाज सो हैप्पी टू सी देम पर ही सैड भी जे तुहानूं कोई प्रॉब्लम सी जां कुछ लोड सी तुसीं मैनू बुला लैंदे तुसीं इत्थे क्यों आए इन्नी दूर राइट ते ओ कहंदे माता खीवी जी ने दासू जी नूं अगे करके कहा भी बच्चे कोलों बहुत वड्डी गलती हो गई है राइट तो वह कहें भी इस अपराध कारण इसके हाथ बज गए हैं खुलते ही नहीं वो कहते बड़ी कष्ट विच है तो माता खीवी जी ने कहा भी तुम अरदास करके ये कष्ट दूर कर दो ते भाई अमरदास जी ने कहा मेरे सतगुरों के चरणों में अरदास है कि दासू जी का कष्ट निवृत्त हो जाए मतलब दूर हो जाए सो ही इज ऑल गुड नाउ लाइक ही इज बीन फॉरगिवन गोइंदवाल नगर की स्थापना ते विकास सो गोइंदवाल देर वॉज अ सिख गुरु जी सिख गुरु अंगद देव जी सिख ओदा नाम सी गोइंदा सो ही वॉज उन्हें ओदे कोल ना ब्यास ब्यास जिहड़ा दरिया सी उसके कंडे ओदे कोल जगह सीगी ते ओ उत्थे नगर वसाउणा चाहुंदा सी सो फॉर पीपल राइट नगर वसाउणा चाहुंदा सी बट जिहड़े उस एरिया दे लोक सीगे दे वर जेलस ऑफ हिम भी जे उन्हें नगर बनाता उही ते बहुत यू नो ही इज गोना बी ऑल कूल एंड एवरीथिंग सो दे वर जेलस ते फिर उन्होंने झूठियां लाइक अफवाह फैलानियां शुरू करतियां भी उत्थे भूत ने दैट प्लेस इज हॉन्टेड राइट ते फिर जदों गोइंदा गुरु अंगद देव जी कोल गया उन्हें कहा भी मेरी हेल्प करो क्योंकि मैं नगर वसाना चाहना वा तो यू नो उत्थे कहंदे ने कि इट्स हॉन्टेड तो फिर गुरु अंगद देव जी ने भाई अमरदास जी नूं हुक्म दिता कि तुसी जाके गोइंदे दी हेल्प करो एंड मेन पॉइंट ऑफ दिस वॉज कि जिहड़ा सिक्खी दा प्रचार केंद्र खडूर साहिब ते सी उहनूं गोइंदवाल तक लैके जाण दी मेन पॉइंट सीगा सो मोर सिख संगत वुड जॉइन दैम मोर संगत वुड जॉइन दैम सो आफ्टर दिस गुरु अंगद देव जी ने देखिया बहुत सेवा करते सीगे भाई अमरदास जी दैन 29 मार्च नू सन 1552 उन्होंने सिख संगता नू कट्ठा किया भारी एकत्रता बुलाई गुरु अंगद देव जी ने ते उन्होंने श्री अमरदास जी नू गुरगद्दी की बख्शिश की ते गुरु अंगद देव जी इस समय लाइक गुरगद्दी दे के ओ ज्योति जोत समा गए सी
सो नेक्स्ट हुण आपां थोड़ा जिहा डिस्कस करांगे जो गुरगद्दी जीवन तो बाद उन्हां दी हिस्टरी, गुरु अमरदास जी की गुरगद्दी जीवन तो बाद हिस्टरी। सो दातू जी ते दासू जी, लाइक आई सेड, दासू जी ने जो गलती की थी उन्होंने माफी मंगी। ही अपोलोजाइज्ड एंड ही सेड आई एम रियली सॉरी, आई शुडन्ट हैव डन व्हाट आई डिड, राइट। ते हुण दातू जी ही वाज स्टिल जेलस कि हाउ कैन गुरु अंगद देव जी गिव, मतलब उन्होंने गुरु अमरदास जी क्यों गुरु बनाया, राइट। वी शुड गेट इट बिकॉज़ वर देयर सन्स। सो दातू जी गुरु अमरदास जी उत्थे बैठे सिख संगत नाल सी, ते दातू जी खेम ते उन्होंने गुरु अंगद देव जी लत मारी, गुरु अमरदास जी लत मारी। सो गुरु अमरदास जी अगेन आउट ऑफ रिस्पैक्ट उन्होंने पैर दातू जी के पैर दबाने शुरू कर दिते, ते वो कहंदे आई एम सॉरी तुसी मैनू लत मारी है, मेरे बुढ़े शरीर च जिहड़ियां हड्डियां ने इट माइट हैव हर्ट यू। दातू जी गुस्से जाके वो फिर उतो चले गए, लाइक ही डिड जस्ट लेफ्ट। उस तो बाद फिर उन्होंने सपुत्री बीबी भानी लई भाई जेठा जी की चोण की। भाई जेठा जी आफ्टर वॉज गुरु रामदास जी, बौली दी रचना। सो उन्होंने बौली साहिब बनाया जो गोइंदवाल नगर विच है। सो देयर इज बौली तो थले उतरन वास्ते 84 स्टेयर्स ने टू गो डाउन द बौली। बट हुण जिहड़े उत्थे दे लोक ने उन्होंने एक मिथ बनाई है कि जे तुसी उस पौड़ियों तो तुसी पाठ जां गुरबाणी पढ़ दे थले जांदे हो ते यू विल ब्रेक द साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ, मतलब तुहाडी जिहड़ियां 84 लाख जूनां दी हैगी है तुसी उस तों मुक्त हो जाओगे। बट गुरबाणी सिद्धांता दे दिस इज अगेंस्ट दैट, दिस इज नॉट गुरबाणी दे सिद्धांता दे अगेंस्ट है, दैट्स नॉट लाइक इट्स मिथ, राइट। उन्होंने फिर अकबर बादशाह दा गुरु दरबार होना। सो अकबर बादशाह बेसिकली व्हाट हैपेंड वाज कि अकबर उस समय उस अकबर दा भरा जिहड़ा सी मिर्जा मिर्जा मुहम्मद हकीम शाह काबल, वो पंजाब काबू करने लई उस समय हमला करना चाहुंदा सी, उन्हें हमला करने दा इरादा बनाया सी। ते उस सिलसिले विच उस सिलसिले नू लाइक यू नो नॉट टू कंट्रोल दैट, अक्टूबर सन 1566 विच अकबर नू लाहौर आना पिया। ते जदों अकबर आया लाहौर ते ओ उथे कुछ अरसे लई लाहौर रुक गया, ते यू नो ब्राह्मणा नू पता लगा। सो बेसिकली व्हाट वाज हैपनिंग वाज जिहड़ा सिक्खी दा प्रचार वध रिहा सी, सिक्खी का प्रचार दे नाल नाल जिहड़े ईरखा वाले लोग सीगे जेलस पीपल वो भी वध रहे सी, उन्हां दी भी गिनती वध रही सी। सो एवरीबडी वाज कंप्लेनिंग, वो ईरखा जिहड़े जिहड़े जेलस बंदे सीगे वो मुगल दरबार विच जाके गुरु दरबार दे खिलाफ शिकायतां भेजदे सी, लाइक दे वर जस्ट कंप्लेनिंग फॉर नो रीजन। सो जदों मुगल जिहड़ा अकबर सीगा वो आया, दे फाउंड आउट कि अकबर आया। सो दैन दे वेंट टू, उन्होंने जिहड़ी शिकायतां इकट्ठियां कीतियां सी शिकायतनामा उन्होंने भेजिया, ते अपनी अपनी जिहड़ी बेनती सीगी वह भी अकबर पास रखी, राइट। सो उस समय जिहड़ा अकबर सी उहनू गुरु अमरदास जी बारे बहुत जिहड़ी जरूरी जानकारी सी उहनू पता सी, वह लै चुका सी जरूरी जानकारी। ते जिहड़ा अकबर सी ही वॉज अ वेरी डिसिपलिन मैन, वह रूल्स लाइक स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करता सी। ते जदों अकबर ने गुरु अमरदास जी पास अपने, फिर जदों उन्होंने सारिया कंप्लेंट्स आईया, राइट, ते उन्हें गुरु अमरदास जी पास अपने प्यादे भेजे, शाही प्यादे मीनिंग लाइक मैसेंजर्स। ते उन्हें कहा गुरु अमरदास जी नू मैसेज भेजा भी तुहाडे बारे तुहाडे खिलाफ शिकायतें आ रही ने, राइट। ते वो कहें भी तुसी जा कोई अपना प्रतिनिध, मतलब अपना कोई अपॉइंटेड परसन भेजो, ते जा तुसी खुद आके दर्शन दवो। सो गुरु अमरदास जी नू जदों पता लगा ते फिर उन्होंने रामदास जी नू ब्राह्मणा भाई जेठा जी नू भेजिया ब्राह्मणा दे शिकायतां नामे लाइक नाल निपटन लई। ते उन्होंने भेजा सी भाई बुल्ला जी, भाई बुढ़ा जी ते भाई केदारी जी नू लाहौर रामदास जी दे नाल। सो जदों रामदास जी उत्थे पहुंचे अकबर दरबार विच, ते ब्राह्मणा दे रूबरू जो भी शिकायत सी नो दे वर कंप्लेनिंग वन बाय वन, ते एक एक शिकायत वदा उन्होंने गुरमत दे नजरिए तो जवाब दिता, मीनिंग उन्होंने जो भी शिकायत सी उन्होंने गुरबाणी नाल रेत करके दसिया भी नो वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, जो गुरबाणी है दैट्स राइट। ते फिर जदों यू नो आफ्टर लिसनिंग टू रामदास जी,
अकबर बहुत प्रभावित होया उन्होंने गल्ला सुन के. ही फेल्ट रियली लाइक यू नो ही वाज शॉक्ड. ते ही वांटेड टू मीट गुरु अमरदास जी. उस तो बाद ते गुरु अमरदास जी हुन एज गोइंदवाल सीगे. सो अकबर ने दिल्ली दिल्ली जान लग्या वो पहला गोइंदवाल गया टू मीट गुरु अमरदास जी. एंड जो गुरु अमरदास जी को गया गुरु अमरदास जी टोल्ड हिम भी पहले तुसी पंगत विच बैठ के लंगर छको फिर तुसी मेनू मिलन आओ. पहले पंगत पाछे संगत. सो अकबर मैट गुरु जी ते बिफोर यू नो बिफोर ही वॉज गोइंग बैक टू दिल्ली उन्हें बड़ा कहा गुरु जी ने गुरु अमरदास जी ने भी तुसी ही ब्रॉट गिफ्ट्स राइट बिकॉज अकबर है सो ही ब्रॉट गिफ्ट्स. बट गुरु अमरदास जी सेड भी नहीं मैनू कुछ नहीं चाहिए राइट. बट बिफोर लीविंग उन्हें अकबर ने जड़ी गुरु रामदास जी नाम जगीर ला गया. सो जरा अमृतसर शहर है अमृतसर ओ गुरु ना गुरु रामदास जी के नाम कर गया सी. ही रोट लाइक प्रॉपर्टी पेपर्स बेसिकली ओ गुरु रामदास जी के नाम पे है. नेक्स्ट इज नगर अमृतसर विच वाज नो सॉरी गुरु जी दी जत्थेबंद प्रचार मुहिम. सो बेसिकली गुरु जी ने गुरु अमरदास जी ने 22 मंजियां दा सिस्टम मंजी सिस्टम शुरू कीता विच वाज 22 मंजीज एंड दोज वर मैन जिहड़े उत्थे प्रचार करदे सी. ते उन्होंने एक होर सिस्टम शुरू कीता सी पीडी सिस्टम जिहदे विच 94 मैन सीगे ते 52 वुमेन विच इंक्लूडेड बीबी दानी जी एंड बीबी पानी जी हु वर गुरु अमरदास जी डॉटर्स. फिर उन्होंने नगर अमृतसर which was Chak Ram Das at the time, the Astapana Kiti. And Amritsar, Guru Arjan Dev Ji ne naam ditta si shahar. So, phir unna ne Guru Gaddi di jimmewari lai, Guru Ram Das Ji tu chuniya, te o September 1st, 1574 nu Jyoti Jyot sama gaye. Guru Ji's Bani. So, Guru Ji di Bani, गुरु अमरदास जी की बाणी जिहड़ी गुरु ग्रंथ साहिब विच है वह छंदा की गिनती विच जिहड़े डॉक्टर चरण सिंह ने उन्होंने बाणी ब्योरे च लिखिया 907 भाई कान सिंह ने 869 ते डॉक्टर बलबीर सिंह ने 870 दर्ज की है. पर जिहड़े गुरु साहिब के सामने गुरु नानक बाणी सी 19 रागों विच जिहड़ी रची हुई सी वह गुरु अमरदास जी ने दो रागों नू छड़ के तिलंग ते तुखारी नू छड़ के ओ इना 17 रागों विच बाणी उचारी श्री राग माज गौड़ी आसा गुजरी वडहंस सोरठ तनासरी सूही बिलावल रामकली मारू पैरो बसंत सारंग मलार ते प्रभाती. ते इस तरह उन्होंने रचनावली विच दुपदे चौपदे अष्टपदियां ते सोहेले ते छंत भी लिखे जो सम ऑफ देम आर इन द नेक्स्ट स्लाइड. सो वन हीरो आनंद जो रामकली राग विच सी ओदियां 40 पौड़ियां. हीरो पट्टी आसा राग विच जो उन्होंने गुरु नानक देव जी तो इंस्पायर होके लिखी सी आसा राग विच. वार सत जिहड़ी बिलावल राग विच है. अलाहणी वडहंस राग वार गुजरी वार सूही वार रामकली ते वार मारू. गुरु जी फ्यू टीचिंग्स एंड अकॉम्पलिशमेंट्स. सो गुरु जी ने जात पात ते वितकरा अर्तरा सो ही स्टॉप्ड कैस्ट डिस्क्रिमिनेशन. सो उन्होंने caste discrimination nu band kita matlab you know people are all about poor and rich unhone stop he stopped it. jat ka garv na kar murakh gawara is garv te chale bahut vikara meaning do not be proud of your social class and status. so much sin and corruption comes from this pride. unhone sati di anmanukhi rasam te istija. सो जेड़े ही वॉज अ फर्स्ट रिफॉर्मर जिन्होंने सती दी जेड़ी सी ओ रोकिया हुआ इस सती. सो सती बेसिकली हैगा सी सो इफ समबडीज हस्बैंड डाइज दे व्हेन दे आर गोइंग टू द फ्यूनरल जदो उन्हां दे संस्कार करन जांदे ने दे बर्न द वाइफ विद देम बी दे सेड देयर इज नो पॉइंट ऑफ यू लिविंग एनीमोर दैट्स व्हाट सती इज. बट गुरु अमरदास जी ने ओ सती दा जेड़ा सी ही स्टॉप्ड इट. एंड गुरु अमरदास जी आल्सो सेड इन श्लोक महला तीजा सतिया ए ना आखियन जो मड़िया लग जलन नानक सतिया जानियन जे बिरह चोट मरन.
फिर उन्होंने जेड़ा विआह शादियां दी रस्मां भी सुधारियां। उन्होंने सिखी दी न्यारी होण दा सिखी दा उपदेश दित्ता, भगता की चाल निराली, चाला निराली भगता करी केरी बिखम मार्ग चलना। मीनिंग द लाइफ स्टाइल ऑफ द डिवोटीज इज यूनिक एंड डिस्टिंक्ट, ते जेड़े आ लाइफ स्टाइल फॉलो करते हैं इट्स द मोस्ट डिफिकल्ट पाथ दे फॉलो। लोभ अहंकार तजे तृष्णा बहुत नाही बोलना, खनी है तिखी वाल निक्की एत मार्ग जाना। मीनिंग वी दे डोंट गो फ्रॉम दे डोंट रिनाउंस ग्रीड, दे डोंट ईगोटिज्म डिजायर, दे डोंट टॉक टू मच अबाउट दैट। ओ पाथ कर दे टेक द पाथ दैट इज शार्पर देन द टू एज्ड स्वॉर्ड एंड फाइनर देन अ थिन हेयर। गुर प्रसादी जिनी आप तजिया हर वासना समाणी। बाय गुरुज ग्रेस दे शेड देयर सेल्फिशनेस एंड कंसीट, देयर होप्स आर मैनेज्ड एंड मर्ज्ड इन द लॉर्ड। कह नानक चाल भगता जुग हो जुग निराली। सो मीनिंग द लाइफ स्टाइल ऑफ डिवोटीज इन ईच एंड एवरी एज इज यूनिक एंड डिस्टिंक्ट। मीनिंग उन्हों का जरा लाइफ स्टाइल है बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल यूनिक है। उन्होंने मनुखा जीवन की मनोरथ। सो बेसिकली उन्होंने गुरु जी ने कहा, गुरु अमरदास जी ने, भी जरा मनुखा जीवन है, जरा मनुखा जन्म है ताडा, वह विषया विकारा विच बर्बाद करने लिए नहीं है, सगों किसी उच्चे प्रयोजन लिए है। मीनिंग लाइक योर लाइफ इज टू हैव अ मोटिव इन लाइफ टू डू समथिंग प्रोडक्टिव। ए शरीरा मेरे आ इस जग में आए कै क्या तुद कर्म कमाया, के कर्म कमाया तुद शरीरा जा तू जग में आया। मीनिंग माई बॉडी, ओ माई बॉडी, वट हैव यू कम इन टू दिस वर्ल्ड, वाई हैव यू कम इन टू दिस वर्ल्ड, वट एक्शन हैव यू कमिटेड। सो आफ्टर दीज वर सम ऑफ द टीचिंग्स ऑफ गुरु अमरदास जी, एंड बेसिकली ही टॉट अस अ लॉट ऑफ थिंग्स वी कैन ही टॉट अस भी सेवा भी करनी चाहिए है। ही told us about what Sikhi Upadesh is. He stopped Sati, like I said, first reformer to stop Sati, and he stopped caste discrimination. Purna Chukka Di Khima, Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.